फ्रेंड्स मैं हूं पूनम मोर और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ये हमारा चैनल है what is preamble a preamble is an introductionary statement of the constitution which lay down the ideals attempt to promote matlabik In, uh, introduction the constitution ka. a preamble to an act of the parliamentary give its region and purpose lays down the aim and object for which a particular act has been passed the idea of the preamble has been borrowed from the constitution of the usa the constitution of the republic came into effect on 26th jan 1950 as an introduction it is a note a part of the contents but it explains the purpose and the objectives which with the document has been written the preamble provides the guidelines to con the constitution preamble is considered to be the key of the constitution simple word mein hum sakte hain ki introduction deta constitution ka or ये हमने बोरो किया था यूएसए से कब ये इफेक्ट में आया था ट्वेंटी सिक्स जैन नाइनटीन फिफ्टी में और ये बेसिकली मतलब एक्सप्लेन नहीं करता बल्कि इसके पर्पज़ बताता है और ऑब्जेक्टिव बताता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो रिटर्न में है और प्रियम्बल क्या करता है गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है किसको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल इसको हम क्या कहते हैं की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव अब ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन स्टेट एज सोवरेनिटी सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सोवरन मतलब कि दूसरे देश के अंडर हम नहीं आते सोशलिस्ट मतलब सब समान है सेकुलर मतलब किसी भी धर्म कोई भी हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड अज एडिड बाई फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स जो ये वर्ड है सोशलिस्ट और सेकुलर ये कब लिए गए थे प्रियम्बल में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में जब एड हुए थे ये प्रोविजन टू द ओल सिटीजन ऑफ इंडिया सेकेंड क्या है जस्टिस किस चीज़ का जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पोलिटिकल एंड लिबर्टी किस चीज़ की लिबर्टी किस चीज़ की आज़ादी थाट की एक्सप्रेशन की बिलीफ फेथ वर्कशॉप नेक्स्ट इज इक्वेलिटी किसकी इक्वेलिटी अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की नेक्स्ट इज फर्टिनिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन परपज ऑफ हैविंग प्रियम्बल क्या है प्रियम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर प्रियम्बल किसी को पावर नहीं देता बट इट गिवस ये देता है ए डायरेक्शन एंडज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ दिशाएं और परपज

मेंड नहीं कर सकते इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अंडर इट ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्ट विच द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू एस्टिब्लिट एंड प्रमोट इसके कुछ मतलब ये कुछ ऑब्जेक्ट भी बताता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एस्टिब्लिश कर सकता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन एस्टिब्लिश हो सकता है एंड प्रमोट हो सकता है अब ये हमारी प्रियम्बल है ऐसी होती है अपनी प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इन टू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स ऑल सिटीजन मतलब ये जब चीज़ें हैं सबकी सिक्योर होती है जस्टिस कैसा जस्टिस सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक लिबर्टी कैसी लिबर्टी थॉट की एक्सप्रेशन की फेथ की वर्कशिप की इक्वलिटी किस चीज़ की इक्वलिटी स्टेटस की अपॉर्चुनिटी की एंड टू प्रमोट दैम और इन सब को प्रमोट करना फर्टिनिटी मतलब ब्रदरहुड भाईचारे की भावना अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस ट्वेंटी सिक्स ऑफ द नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन डू हेयर बाई अडोप्ट इनक्ट एंड गिव अल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ये अपनी प्रियम्बल है प्रस्तावना भी हम इसको कहते हैं नेक्स्ट अब इक्वेलिटी क्या होता है इट मीन्स ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इसका मतलब की सारे जो देश के नागरिक है सुड ट्रीटेड उसको ट्रीट करना चाहिए इक्वली समान रूप से विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेस पर सेक्स के बेस पर जेंडर के बेस पर और कलर एक्सेट्रा जस्टिस किस चीज का जस्टिस प्रोमिस टू गिव पीपल लोगों को विश्वास दिलाना होगा वट दे आर इन टू इन टर्म ऑफ बेसिक राइट फूड क्लोथ हाउसेज मतलब उनके जो बेसिक राइट्स है कैसी राइट right? फूड हो गया क्लोथ हो गया हाउस हो गया वो सभी लोगों को मिलना चाहिए एंड पार्टिसिपेट भाग लेना इन द डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन जब हम लेते हैं उसमें एंड लिविंग विद डिग्निटी डिग्निटी के साथ रहना एज ए ह्यूमन बींग नेक्स्ट इज लिबर्टी आज़ादी किस चीज़ की थॉट एंड एक्सप्रेशन की मतलब विचार और एक्सप्रेशन दीज फ्रीडम हैव बीन ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रो द फंडामेंटल राइट और ये फंडामेंटल राइट right भी है अपना फर्टिनिटी मीन सेंस ऑफ ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की भावना द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ द फर्टिनिटी मतलब जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करता है भाईचारे की भावना को नेक्स्ट इज सोविटी इसका मतलब क्या होता है इट मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस मतलब पूरी तरह से आज़ादी दैट इज़ ए गवर्नमेंट विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाई एनी पावर मतलब अपनी जो सरकार है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है किसी के अंडर नहीं आती एक्सटर्नल ना तो बाहरी मतलब विदेश से किसी के अंडर नहीं आती और ना ही इंटरनल नेक्स्ट इज सोशलिस्ट मीन्स कमिटमेंट टू अटेन आइडियल्स लाइक रिमूवल ऑफ इनइवालिटीज मतलब सोशलिस्ट मतलब इनक्वालिटी को हटा देना प्रोविजंस ऑफ मिनिमम बेसिक नेसेसिटी टू ऑल मतलब सबको बेसिक नीड प्रोवाइड करना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क चाहे वो फिर वोमेन हो या फिर मैन हो सबको अगर इक्वल काम करता है तो उसको इक्वल ही पैसे मिलेंगे नेक्स्ट इज सेकुलर इट इज़ सेट दैट ऑ ऑल रिलीजन इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड प्रो प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट मतलब ये कहा जाता है कि जो हमारा भारत देश है उसमें सभी देशों को सभी धर्मों को समान माना गया है उसकी इक्वल रिस्पेक्ट हुई है सपोर्ट भी सबको मिला है प्रोटेक्शन बचाव भी मिला है इट इज़ ना इधर रिलीजियस ना तो ये धर्म निरपेक्ष है और ना ही इ रिलीजियस है रिपब्लिक इट मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट मतलब जो अपना हेड है वो कौन है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हु इज डायरे इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है एंड ही इज नॉट ए हरटेरी रूलर मतलब वो मतलब एक उसके मतलब वो चा, जो चाहे वो नहीं कर सकता uh, मतलब उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा थैंक यू थैंक यू सो मच ये अपनी प्रियम्बल थी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए